नमस्ते। आज अपनी इस क्लास में हम बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्ष्य मूल मूल्य या दार्शनिक आधार तत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में अपन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की थी और अपन ने देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उन आदर्श मूल्यों या विश्वासों या दार्शनिक आधार तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जिन आदर्शों को वो भावी भारत के अंदर लक्षित होते हुए या सफल होते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत गणराज्य के जन जन के मन में इन मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता जगे पनपे तथा आने वाली पीढ़ियां जिन्हें हम संविधान आगे चलाना होगा इन मूल्यों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये उदात्त मूल्य हम एक एक करके गिना सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार हैं, जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि। अब हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है हम भारत के लोग, और यह वाक्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेरिका के संविधान और यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य लिखा गया है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना का पहला वाक्य है हम विश्व के लोग, और इनसे प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य लिखा गया है हम भारत के लोग। और इस वाक्य को यदि हम प्रस्तावना के आखिरी वाक्य के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात इन दोनों शब्दों को, वाक्यों को जोड़ करके पढ़ने से तीन बातें परिलक्षित होकर के उभरती हैं। नंबर एक, भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। तो पहली बात आती है कि संविधान किसका स्रोत कौन है, तो इसका उत्तर मिलता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। इसी में यह बात देखने को मिलती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। अर्थात भारतीय संविधान के मूल स्रोत भारतीय जनता या भारतीय लोग हैं और भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निवास करती है। अर्थात संप्रभुता का जो निवास है वह भारतीय जनता में है और संप्रभुता का स्रोत है वो है भारतीय जनता है। दूसरी बात परिलक्षित होकर के उभरती है वो यह है कि संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। संविधान निर्माता कौन है? ये संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं।
और भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और भारतीय संविधान किसी बाह्य शक्ति की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है, भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अर्थात इस वाक्य से क्या, इस दूसरी बात से क्या बातें उभर कर के आती हैं इसके अंदर, इससे यह है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करके संविधान का निर्माण कर रहे हैं और ये जो संविधान है वो जनता की इच्छा का परिणाम है और ये संविधान भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। ये बात उभर करके सामने आती है और इससे तीसरी बात जो उभर करके सामने आती है वो ये है कि हम लोग भारत के लोग एक हैं, हम भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नहीं हैं, हमारा राष्ट्र एक है और हमारा संविधान एक है, हमारी राज्य व्यवस्था एक है, अर्थात हम सब एक ही भारत के नागरिक हैं, हमारा राष्ट्र एक है, अर्थात इसके अंदर राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। इसी तरह से यदि हम दूसरे आदर्श वाक्य पर बात करें तो वो उभर करके आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजनीति विज्ञान तथा न्याय शास्त्र के शब्दकोश में संप्रभुता को राज्य का एक अत्यंत आवश्यक तत्व माना गया है और इसके माध्यम से यह है दर्शाने का प्रयास किया गया है कि इसके द्वारा राज्य को आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में पूर्णतया उनको शक्ति प्रदान की जाती है, अर्थात नियंत्रण विहीन शक्ति प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दूसरा जो वाक्य लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात ऐसा राज्य जो कि पूर्णतया स्वतंत्र हो, संप्रभु हो। और इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाक्य से तीन बातें उभर करके सामने आती हैं। नंबर एक, भारत राज्य स्वतंत्र है। पहली बात, भारत राज्य स्वतंत्र है। दूसरा, राज्य को किसी भी विषय, आंतरिक या बाह्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात इसके आंतरिक और बाह्य रूप पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और तीसरी बात उभर करके ये है आती है कि राज्य किसी अन्य राज्य या बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, अर्थात भारत राज्य पूर्णतया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, जो कि यदि अपन देखें तो 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी इन दोनों स्थितियों में देखें तो दो रूप देखने को मिलते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राष्ट्र था, राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि राज्य के आवश्यक चार तत्व, निश्चित भूभाग, उस भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करने वाली निश्चित जनसंख्या, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने वाली सरकार और वह उस सरकार की का संप्रभु स्वरूप, ये चार आवश्यक तत्व राज्य के माने गए हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास पहले वाले तीन लक्षण तो थे, लेकिन चौथा लक्षण सरकार की संप्रभुता वाला लक्षण नहीं था। अतः भारत राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 से पहले
आंतरिक और बाह्य रूप से शक्तियों के प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं था। यहां की सरकार ब्रिटिश शासन द्वारा गवर्न होती थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ करके यह है परिलक्षित या ये करने का प्रयास किया या बताया गया है कि भारत आज से पूर्णतया प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत की सरकार के ऊपर आंतरिक या बाह्य रूप से किसी का नियंत्रण नहीं है, वह इन सभी विषयों पर निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र है। तीसरी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक लक्षण उभर कर के आता है वह है समाजवादी। संविधान निर्माता शुरू नहीं चाहते थे कि वो भारतीय संविधान को किसी वाद या विचारधारा से सीमित करें, अतः संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी आर्थिक वाद या विचारधारा को सम्मिलित करने पर सहमत नहीं हुए। हां, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को आर्थिक न्याय तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्रदान करने का लक्ष्य जरूर परिलक्षित किया गया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक नया शब्द समाजवादी शब्द जोड़ा गया और यह वाक्य संप्रभुता के बाद व लोकतांत्रिक गणराज्य से पहले जोड़ा गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो समाजवादी स्वरूप या समाजवादी शब्द को इसके अंदर जोड़ा तो गया, लेकिन इसको किसी प्रकार से परिभाषित नहीं किया। लेकिन आगे चल करके 45वें संविधान संशोधन द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक और राजनीति के शोषण से मुक्ति या भारत की शासन व्यवस्था के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाएगा कि सभी प्रकार के शोषणों जिसके अंदर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति प्रदान की जा सके, भारतीय जनता को मुक्ति प्रदान की जा सके। और आगे चल करके यह आशा की गई कि भारतीय संविधान का निर्वचन करते समय भारतीय न्यायालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह आय प्रतिष्ठा जीवन व्यापन के स्तर में विषमता का अंत व समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की स्थितियों को स्थापित करने का प्रयास करने की दिशा में निर्वचन करें और साथ ही निजी संपत्ति व उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर जो तीसरा दार्शनिक आधार तत्व बनता है वह है समानता। इसके बाद जो चौथा दार्शनिक आधार तत्व बनता है वह है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, जिसे धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी कहा गया है। जिस तरह से समाजवादी के अंदर अपन ने देखा था कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, इसी तरह से पंथ निरपेक्षता भी भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के संबंध में बात अवश्य की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर ये नया शब्द पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। लेकिन इस शब्द की भी संविधान के अंदर कहीं कोई परिभाषा नहीं की गई। बोमई केस के अंदर इसको जरूर परिभाषित करने का प्रयास किया गया, और यदि भारतीय संदर्भ में इसको परिभाषित करने का प्रयास करके देखें तो यह देखने को मिलता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा संवेद स्वतंत्रता प्रदान करता है। संवैधानिक स्वरूप से किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो धर्म का न तो प्रचार करता है और न ही उसे उसमें हस्तक्षेप करता है। अर्थात इस परिभाषा के आधार पर यदि हम देखें, भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें, तो देखने को मिलता है कि संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और पंथ निरपेक्ष राज्य होने के कारण यह इस विचार पर आधारित है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति व व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंधों से नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य के चार लक्षण परिलक्षित होकर के उभरते हैं। वो है नंबर एक, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य नहीं है, अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जिस तरह से भारत के ही पड़ोसी पाकिस्तान या बांग्लादेश का अपना राष्ट्रीय धर्म है, उसी उस तरह से भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। दूसरी बात, राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात राज्य न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। यानी धार्मिक मामलों में राज्य पूर्णतया निरपेक्ष रहेगा, न तो वह किसी धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और न ही किसी धर्म को निरुत्साहित करने का प्रयास करेगा। तीसरी जो बात भर करके आती है वो है, धर्म के आधार पर सभी व्यक्ति एक समान होंगे, अर्थात धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य की ओर से किसी प्रकार का भेदभाव व्यक्ति व्यक्ति के बीच में धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। और चौथी बात है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो इस तरह से यह चौथी विशेषता उभर करके आती है। धन्यवाद।